वहीं जयपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर सवाई मानसिंह स्टेडियम जंग का अखाड़ा बन गया। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के दौरान जमकर हंगामा हुआ। आयोजक और बॉडी बिल्डर आपस में भिड़ गए छोटी सी बात पर। पहले कहा सुनी हुई और फिर लात घूंसे चलने लगे, फिर एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंकने लगे। खेल का मैदान बना जंग का अखाड़ा। बॉडी बिल्डिंग शो के दौरान दंगल। पहले चले लात और घूंसे, फिर कुर्सियों से दे दनादन। ये हैरान करने वाली तस्वीरें जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम की है। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का रोमांच देखने के लिए स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था, लेकिन यहाँ पर कोई प्रतियोगिता शुरू हो पाती उससे पहले ही महाभारत हो गया। आयोजकों और पहलवानों के बीच दंगल हो गया। जो पहलवान अपनी बॉडी दिखाकर तालियां बटोरने वाले थे, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगे। आयोजकों और बॉडी बिल्डरों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। इन लोगों ने एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक खेल का मैदान जंग का अखाड़ा बन गया। ये आयोजकों के बाउंसर और बॉडी बिल्डरों के बीच हाथापाई हो रही है, लात घुसे चल रही है, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी जा रही है। कुछ लोगों ने तो स्टेडियम में रखे डंडे एक दूसरे पर चलाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर पहले जहां स्टेडियम में प्रतियोगिता हो रही थी, अब पूरे मैदान में अफरा तफरी का माहौल। दर्शक ये नजारा देखकर हैरान थे। कुछ ने हिम्मत जुटाकर मामले को शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन जंग के जोश में ये कहां मानने वाले। इनके बीच झड़प काफी देर तक ऐसे ही चलती रही। इस हंगामे में कुछ लोगों के कपड़े भी फट गए। बताया जा रहा है कि हंगामे की शुरुआत मिस्टर इंडिया 2016 और वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट रहमान के साथ फोटो खिंचवाने को लेकर हुई। पहले आयोजकों और बॉडी बिल्डरों के बीच कहासुनी हुई, फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। काफी मुश्किल से हंगामा शांत हुआ, लेकिन मारपीट की वजह से कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए SMS अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन की तरफ से आयोजित की गई, जिसमें 150 से ज्यादा बॉडी बिल्डर अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाने के लिए शामिल हुए थे। लेकिन छोटी सी बात को लेकर हुए इस हंगामे की वजह से पूरे खेल का मजा ही किरकिरा हो गया।